छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त की जो है बहुत ही अच्छी भर्ती निकल कर आ चुका है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड सहायक संचालक, सहायक सचिव वरिष्ठ हो गए, सचिव कनिष्ठ के 30 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब पोस्ट है। मंडी बोर्ड सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स 2023। आखिरकार किस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, किस स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल पाएगा, क्या आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। 30 पोस्ट पर भर्ती आपका होने वाला है। अगर हम बात करें कि कट ऑफ मार्क्स जो है कितना होना चाहिए, देखो जब तक आपको क्वेश्चंस को जो चार ऑप्शंस रहते हैं उनको डिटेल्स आउट करना है, अच्छे से जो है सोचना है, समझना है, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आप जो है तुक्का लगा दिया, प्रिडिक्ट कर दिए, प्रिडिक्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेस्ट होगा। बस तैयारी करना, मेहनत करना, कॉन्सेंट्रेट करना और एक ही चीज़ पर जो है फोकस करना, और एक ही चीज़ पर अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, एक ही चीज़ पर अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, एक ही चीज़ पर अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, वरना आपका सिलेक्शन जो है देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है कि कॉम्पिटिशन्स किसी और से नहीं है, अपने आप से होता है, इसलिए अपने आप को कभी किसी से कॉम्पिटिशन्स मत करो, क्योंकि जो आप मेहनत कर सकते हैं, जो आप तैयारी कर सकते हैं, जो आप हार्डवर्क कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। इसलिए लोगों की परवाह तो बिल्कुल मत करना कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों को ओपिनियन क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, सिर्फ अपने बारे में सोचो। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो 75 से 80 नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। ऐसे OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 से 75 में, SC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से 70 में, और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 60 से 65 में, इतने नंबर वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में।